अभ्युदय योजना के तहत मंगलवार की शाम को भी संवाद भवन में योजना के चयनित प्रतिभागियों को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी IAS इंद्रजीत सिंह, SDM खजनी IAS अनुज मलिक, IPS राहुल भाटी, IFS अविनाश कुमार ने चयनित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी दी और बताया कि कंपटीशन में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए परिश्रम करके लक्ष्य को हासिल करें और देश का नाम रोशन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, अलग अलग एरियाज पर फोकस करें तो जितना ज्योग्राफी में आपको एक्सेस से हेल्प होगा उससे जितना थ्योरी में पढ़ेंगे और जितना आप एक्सेस पर रेफर करेंगे इक्वल इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे आएगा। तो आप एक्सेस और जीसी लॉ को दोनों को साइमल्टेनियस से रेफर करेंगे तो काफी अच्छी तैयारी आपको मिल जाएगी। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर आप इक्वेटर को देखोगे तो इक्वेटर के पास में सबसे पास में कंट्रीज हैं तो एटलस से ही क्वेश्चन होंगे जैसे मैम ने बताया। दूसरी बात GCDOM जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए और NCERT से जो आप पढ़ेंगे ना फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी वो हो गया, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार सरसरी नजर से ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ज्यादा टाइम उस पर देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि करंट अफेयर से ही ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्चुअली अब उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे जो कि काफी थियोरेटिकल नॉलेज काफी अच्छे से नहीं है, जो भी कन्वेंशंस हुए हैं फ्रेमवर्क्स हुए हैं उसके बारे में काफी अच्छी इकोलॉजी एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज फ्लड्स जितने भी रिसेंट इवेंट्स इकोलॉजी के लिए भी जितना डायनामिक्स एक पार्ट के लिए आप जैसा मैम ने बताया जो बायोलॉजी की बुक आती है 12th उसमें लास्ट के 4 या 5 चैप्टर्स हैं, उसमें पॉल्यूशन भी है, इकोलॉजी भी है, बायोडाइवर्सिटी है। वो चार पार्ट अगर आप 2 दिन मतलब 6 to 12 hours आप दे देंगे आपकी इकोलॉजी बिल्कुल कवर हो जाएगी। आपकी इस 40 पेज की नोट बन जाएगी। इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में एक चैप्टर बताई गई है कि कौन कौन से जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कौन कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन कौन से वल्नरेबल हैं। सारे चैप्टर खोल के आउट ऑफ टाइम आपको बता दिए जाएंगे। स्टार्टिंग से कई बार कईयों ने क्वेश्चन पूछे ना कि GK कैसे हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग करें, उसके कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सही से एक्सपेक्ट हो रही ये कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। अपनी इसको नोट जरूर करिए सारी चीज़ें कि किस चीज़ पे फोकस किया है। जब आप जाएंगे फिर इंटरनेट पे किसी और की स्टडी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ भी ये रेफर किया था वहाँ भी किया, तो इस बुक में तो बहुत कम होगा, इसको पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में देखो अगर बुक पढ़ी हुई आप पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का। जिसमें हमारे 3 officers, एक हमारे जो DFO गोरखपुर है अविनाश जो 2016 बैच से हैं और जॉइंट मजिस्ट्रेट अनुज मलिक है जो 2017 बैच से हैं और 2018 बैच से IPS जो है हमारे राहुल भाटी जी, इन्होंने लाइव क्वेश्चंस का आंसर दिया है। बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, बच्चों ने बड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे और उनको सेटिस्फाई किया गया।